फर्स्ट ईयर की क्लास में आज का टॉपिक है कोशिका, सी डबल एल सेल। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है खूब अच्छी तरह, लेकिन उसमें और थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी कि कोशिका, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, कोशिका शरीर की इकाई है, यूनिट है। कोशिका ही मिलकर के समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू, ऊतक। ऊतक मिलकर के, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण कर, अंगों का, अंग मिलकर के एक शरीर सिस्टम का निर्माण करती है। तो पहले कोशिका, फिर कोशिका से टिश्यू, और टिश्यू से सिस्टम, ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम बन गया, कुल मिला के एक स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार हो गया। तो कोशिका ही है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो कोशिका के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए कि कोशिका को जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है, और इसको लैटिन भाषा में सेलुला शब्द से खोजा गया है, सेलुला, CELLULA, अर्थ है चैम्बर, कोठरी या कोस्ट। और ये तो आपने सुना ही होगा कि कोशिका की खोज को इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते में देखा था, चैम्बर कितने ढेर सारे होते हैं, ये सब कहानी आपको पता है, इसलिए उस पर ज्यादा हम नहीं आएंगे। कुल मिला के रॉबर्ट हुक का नाम जरूर हम बोल देंगे कि रॉबर्ट हुक ने इसका जो नाम दिया था 1665 में, माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक थी जिसमें छापा था शेल। शेल ग्रीक भाषा में KYTOS बराबर शेल, ये, और लैटिन में CELLA बराबर हॉलो स्पेस, ये लैटिन भाषा का है और ये ग्रीक भाषा का, काइटोस KYTOS है, और ये लैटिन भाषा सेलुला हॉलो स्पेस, खाली जगह, कोठरी, चैम्बर। अब इसके बाद लीवनहॉक ने 1664 में बैक्टीरिया, डायटम्स, रुधिर केशिकाओं तथा स्पर्म में इसका अध्ययन किया था। मार्सिलो मेलपीगियाई ने भी प्लांट सेल्स में अध्ययन करके बताया था कि पौधों में भी पाई जाती है कोशिकाएं। कुल मिला के ये स्टार्टिंग की कहानी है। आज अपन लोग जानते हैं कि जो भी सजीव है, चाहे वो सबसे छोटा कौन सा जीव होता है, वायरस को छोड़ दो क्योंकि वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो अपन लोग बैक्टीरिया से शुरू कर सकते, बैक्टीरिया से लगा करके बहुकोशिकीय व्हेल मछली तक, इससे बड़ा कोई जंतु नहीं है, नीली व्हेल जो समुद्री जंतु है, इससे ज्यादा और कोई बड़ा जंतु है नहीं है आजकल पूरे विश्व में। जो भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनकी संरचना, उनकी स्थिति किसने बताई थी, रॉबर्ट हुक ने, कि इस प्रकार की पाई जाती है, और शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका ही है सब कुछ, जो भी कहानी शरीर में होती है वो कोशिका के द्वारा होती है। अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक अनेक परिभाषाएं दी हैं, और इसी में सुनिए जरा, रॉबर्ट हुक ने तो इसकी खोज की थी, कोशिका सिद्धांत शब्द एक आ गया है, और स्लाइडेन एंड स्वान, आपने सुना है ना, स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद परकिंजे बॉन मोहल ने साइटोप्लाज्म का वर्णन किया था, परकिंजे और बॉन मोहल ने ये बताया था कि कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। मेल के स्लाइडेन एंड स्वान ने, हमने आपको बताई दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, सन बताए दे रहे आपको 1831, और जबकि 1665 में किसकी खोज हो गई, कोशिका की। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने भी बताया था कि कोशिका के अंदर एक संरचना मुखिया के रूप में होती है, मुख्य भाग है, वो क्या है, न्यूक्लियस। तो
ढेर सारी प्रोसेस है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है। आज भी स्थिति ये है कि अभी कोशिका पर हजारों लोग लगे हुए हैं खोजने में, ये कोशिकाओं को हम कैसे जीवित रख सके। ये कमजोर विभाजन होती, जैसी उम्र बढ़ती जाती है लोगों की, उसका विभाजन कम होता जाता है। भाई बुढ़ापा के आने का कारण क्या है कि एक दिन में मान लो कोशिकाएं 10 विभाजित हो रही, धीरे धीरे वो बच्चे से बढ़ती जाएगी, वयस्क अवस्था में विभाजन बढ़ता जाएगा और एडल्ट अवस्था से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, वो विभाजन कम होते होते एक समय स्टॉपेज हो जाता है और फिर जो जीवित हैं वो निष्क्रिय होने लगती है। और जब निष्क्रिय होने लगेगी तो आपको पता है फिर लास्ट में क्या होता है, ये जलवस्था आती है। तो कुल मिला के आज भी खोजबीन उस पर जारी है कोशिका की, कोशिका में जो और भी हैं। तो कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, वो कोलाइड सॉल्यूशन है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव के अंदर अनेक जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये दो शब्द हैं कोशिका के अंदर, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। साइटोप्लाज्म जैसे मान के चलिए हम ये कोशिका बना लेंगे, अगर प्लांट सेल्स बनाएंगे तो ये संरचना बन जाएगी, ये प्लांट सेल्स का है, ये मेटेरियल अपना हो जाएगा, बनाने के बाद उनको बस समझाने का, ये केंद्र हो जाएगा, ये डिफरेंट ऑर्गन सेल्स नहीं। तो ये बता रहा है इसके अंदर ये तरल, ये केंद्रक, केंद्रक के अंदर जो भरा रहता है तरल पदार्थ उसका क्या नाम है, केंद्रक द्रव या क्या न्यूक्लियोप्लास्ट, समझा गया। और जो इसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है क्या है, साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। हिंदी में केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं, जो एक वैज्ञानिक थे हैक्सलिंग, इन्होंने बताया था जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। अब इसमें कोशिकाओं पर आइए, कोशिकाएं दो प्रकार से डिवाइड की है, एक दिया है प्रोकैरियोटिक और एक दिया है यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा क्या दिया यूकैरियोटिक। सबको बताया तो पांच जगत, व्हिटेकर ने जो दिया था पांच जगत सिद्धांत, व्हिटेकर एक वैज्ञानिक थे जिसने पहला किंगडम क्या दिया था मोनेरा, मोनेरा में क्या एग्जाम्पल था बैक्टीरिया, फिर दिया था प्रोटिस्टा। अब मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ध्यान रखना, और प्रोटिस्टा में कौन सी सेल्स है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अधूरी कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक है, कंप्लीट कोशिका है वो यूकैरियोटिक है, दोनों में अंतर हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया में जीवाणु में जो कोशिका पाई जाती है वो अधूरी कोशिका, अधूरी का मतलब ही क्या, ना तो उसमें न्यूक्लियस होगा, असर है कि नहीं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होता है, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, तो ये कहां फैला रहता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक नहीं होता है, अल्पविकसित होगा थोड़ा बहुत होगा तो होता नहीं, इसलिए ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना गॉल्जी बॉडी होगी। राइबोसोम में एक भाग होगा, प्रोकैरियोटिक में कौन सा होगा 70S, बस हो रहे कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ अंग नहीं पाए जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक, प्रो माने पुरानी, कैरियन माने केंद्रक, पुराना इनकम्प्लीट केंद्रक है उसके किसको रख दिया प्रोकैरियोटिक, प्रो माने दिया है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माने सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी, अब तो सबसे पहले जो कोशिका बनी थी वो अधूरी थी, उस अधूरी कोशिका को ही क्या नाम दे दिया प्रोकैरियोटिक, कैरियन माने केंद्रक से जुड़ा है। और यूकैरियोटिक क्या है, कैरियन तो वही केंद्रक है, कंप्लीट केंद्रक, पूर्ण विकसित सभी कोशिकांग, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गॉल्जी बॉडी हो, चाहे राइबोसोम हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे वो हरित लवक हो, प्लांट्स वगैरह, लवक प्लास्टिक्स वगैरह, जितने भी ऑर्गन से वो किसे पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो एक हो गई प्रोकैरियोटिक, जिसका उदाहरण क्या बताया हमने बैक्टीरिया, एक हो गई यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में दो प्रकार की कोशिका हो जाती है, प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल्स, असर है। यानी प्रोकैरियोटिक में तो एक ही भाग और यूकैरियोटिक में कितनी है, दो भाग, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक है। क्या क्या तीन चार डिफरेंस बताएंगे आपको,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तीन चार डिफरेंस है, उसको सुन लीजिए। एक तो दिया प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित, यूकैरियोटिक में भी उपस्थित होती है। इसके बाद राइबोसोम कितने प्रोकैरियोटिक में कौन से पाए जाते हैं, 70 एस राइबोसोम। यूकैरियोटिक में 70 और 80 एस दोनों प्रकार के मोस्टली कौन से पाए जाते हैं, 80 एस प्रकार के। एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो आपको जब हम पढ़ाएंगे राइबोसोम तब बताएंगे। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद न्यूक्लियस, ये सभी प्रोकैरियोटिक में क्या एब्सेंट रहते हैं और यूकैरियोटिक में कंप्लीट होती है। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लो अपने शरीर में आप पढ़ चुके हैं, जो भी फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं आप, 9th 10th पढ़ चुके हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल, विद्युत ग्रह। तो उसमें कौन काम करता है, मीसोस, इसमें उस वाली कोशिका में कौन काम कर रहा है, मीसोसोम काम कर रहा है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो संबंध तो है कहीं ना कहीं, लेकिन बस ये कह सकते हैं ये इनकम्प्लीट कोशिका है, वो कंप्लीट कोशिका है। इसमें सभी यूकैरियोटिक में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में अधूरे कोशिकांग, तरल पदार्थ भरा रहता है, डीएनए आरएनए एक लूथरी के समान फैले रहते हैं, ना कोई केंद्रिका होती है ना कोई ऑर्गन्स होते हैं, कुल मिला के इसलिए उसको नाम किसको जोड़ दिया, प्रोकैरियोन, प्राणी स्टार्टिंग वाली जीवन उत्पत्ति वाली। तो ये डिफरेंस किसके हो गए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। अब यूकैरियोटिक में आइए, बैक्टीरिया के आपने पढ़ चुके हैं लक्षण, उसमें ज्यादा नहीं बताया, बैक्टीरिया सेल्स हमने शुरू में बता दिया था, पूरा बैक्टीरिया का शुरू से एंड तक, बैक्टीरिया वायरस एल्गी फंगस ब्रायोफाइटा टैडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, टिश्यू प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ये सब सेकेंडरी ग्रोथ, फैमिली फ्लोरा डिस्क्रिप्शन रूट स्टेम लीफ, ये सब टॉपिक हो चुके हैं लास्ट, आगे की कहानी है। तो कुल मिला के ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसके बारे में सुनी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, पीपीएल, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, कौन सी होती है, पीपीएल। इसका व्यास यूकैरियोटिक सेल्स का व्यास दिया है 0.1 μ और पीपीएलओ अब तक सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक, और सबसे बड़ी सेल्स आपको पता है कौन सी होती है, नर्व सेल्स जो 90 सेंटीमीटर तक होती है, एसिटाबुलेरिया 170 मिलीमीटर, और एक कोश की शैवाल है एसिटाबुलेरिया जिसमें 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, और कॉलेरपा की जो एक कोश की शैवाल है इसकी कोशिका होती है 1 मीटर। ये बार क्वेश्चन आया था सबसे बड़ी कोशिका किस पौधे में पाई जाती है जंतु में, तो वो कौन सा है, एक कोशिकीय शैवाल एल्गी, एल्गी का मतलब क्या होता है, शैवाल का मतलब एक प्रमुख करेक्टर क्या है, क्लोरोफिल युक्त है, क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर एलोबाइटा रूट स्टेम लीफ एब्सेंट, वो शैवाल है, समझ रहे कि नहीं। तो नाम क्या दिया, कॉलेरपा, कॉलेरपा में सबसे बड़ी 1 मीटर तक की कोशिका पाई जाती है सामान्य रूप से अपने शरीर में, सबसे बड़ी कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल्स होती है जो सबसे लंबी है, बाकी तो सब बहुत छोटी छोटी है, सबसे छोटी हमें क्या बताया, पीपीएल, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद आकृतियां तो कोशिकाओं की अनेक होती है, बैक्टीरिया में अलग होती है, दूसरे में अलग होती है। अब हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स में 2-3 अंतर अगले टॉपिक, और प्लांट सेल्स का फिगर, इतना टॉपिक रहेगा अगले टॉपिक।